अब देखो मैं समझ तो गया था कि यहाँ पे भैया अभी एक स्क्वाड की पेटी बनाई है इस हैकर ने, तो मेरा भी मरने का टाइम आ चुका है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसके मुंह के सामने से बग्गी लेके जाता हूँ। भाई लोंडे का स्प्रे देखो, पूरी की पूरी बुलेट जो कनेक्ट हुई ना वो मेरे हेलमेट पे हुई है, देख सकते हो बिल्कुल। और अब मेरे को पता था इसने मेरे को देख लिया तो भैया ये मेरे ऊपर रश करेगा। अभी भी मेरे को पूरा कंफर्म नहीं था कि ये बंदा हैकर या नहीं है, लेकिन भाई ये बंदा जैसे ही मेरे ऊपर रश करता है तभी जो ये मारने वाला है ना, बिल्कुल गलत मारने वाला है। देखो भाई साहब, लोंडे ने मेरी हेलमेट की बिल्कुल माँ बहन एक करके धर दी, हेलमेट उड़ाई दिया। अब ये जो हैकर है मेरे ऊपर रश कर रहा है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे भाई ने उस हैकर की पेटी बनाई या पेटी बन भाई भाई एक बार प्लीज मेरे को कमेंट करके बता दो। और भाई सच बता रहा हूँ, जब से ये सीजन आया है जब से मेरे को हर एक गेम में एक हैकर तो मिल ही रहा है। भाई साहब मैं तो ये सोच रहा हूँ इतने कम टीयर पे जब हमारा ये हाल है तो जो बंदे भाई रैंक पुश कर रहे होंगे उनका क्या हाल होगा। भाई साहब आप कौन कौन रैंक पुश कर रहा है प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, और आप लोगों को कितने हैकर मिले हैं वो भी कमेंट करके बताओ। और फिलहाल की बात करें तो हम लोग ये वाली जगह पे लैंड करते हैं और हैकर जो है इसी गेम में है, लेकिन पहले मेरे को नहीं पता था। तो गाइस गेम प्ले में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है फैन क्लेस। यहाँ पे आप अपने फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर के टीम बना सकते हैं, जैसे कि मोर्टल, स्काउट, जोनाथन, क्रोंटन। तो गाइस सबसे पहले तो इस वाली एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। न्यू यूजर्स 5-10 फैंटेसी कॉन्टेस्ट बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और रियल कैश रिवॉर्ड जीत सकते हो। भाई इसलिए बोल रहा हूँ इसको डाउनलोड करो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस फैन क्लेस इंडिया का सबसे पहला एप्लीकेशन जहां पे आप अपने फेवरेट BGMI e-sports प्लेयर की टीम बना सकते हो। अब हम Sky e-sports BGMI की चैंपियनशिप 3.0 के लिए अपने फेवरेट प्लेयर को चूज करते हैं। जैसे कि यहां पे मैं चूज करता हूं अपने फेवरेट प्लेयर को जो है मॉर्टल, स्काउट, जोनाथन एंड क्रोंटन। अब इनको यहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन भाई यहां पे हम अपने कैप्टन चूज कर सकते हैं जिसको 2x पॉइंट मिलेंगे। और भाई साहब अभी मजा आएगा ना, क्योंकि अब हमारे प्रोस खेलेंगे और हम लोग जीतेंगे। तो गाइस इस वाली एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज एक बार डाउनलोड जरूर करना। अब यहाँ पे मैं उतरता तो हूँ, मेरे साथ में 2-3 टीम उतरती है, खाता खुलता है इन बोर्ड दादा के साथ में। और सामने की तरफ भी जो बंदे हैं भैया मेरे ऊपर रश कर रहे हैं, तो बस देखो अब तो चलो भाई फाइनली इन दोनों की यहाँ पे मैंने पेटी बना दी है, लेकिन इसके बंदे अभी बाकी हैं जो कि शायद से मेरे ऊपर रश करेंगे, नहीं करेंगे तो अपन ही रश करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखो इस टीम के मेरे ऊपर बंदे रश तो नहीं करते, मेरे को इनके ऊपर रश करना पड़ता है क्योंकि इस टीम का सिर्फ और सिर्फ लास्ट ही बंदा बचा था। इस टीम का एक बंदे की भाई दूसरी टीम ने पेटी बना दी और एक बंदा यहाँ पे है, बहुत तेज है यार। लेकिन भाई साहब अपने से तेज नहीं हो सकते क्योंकि इनने जैसी उजी रिलोड करी अपन ने इनके ऊपर सीधा रश कर दिया और इनकी पेटी बना दी। और सामने की तरफ से भी मेरे को एक फुटस्टेप आ रहा है, भाई साहब ये तो रहता है बोट, लेकिन नीचे की तरफ वो खिड़की में एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ था अभी। और भाई ये तो रहती है अलग टीम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे रहते हैं इस टीम के, तो फटाफट उसकी भी पेटी बनाते और निकलेंगे यहाँ से सीधा। फिर अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद तुम्हारा भाई सीधा आ जाता है स्कूल अपार्टमेंट की तरफ में, लेकिन पहले मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, पहले मैं अपार्टमेंट चेक करने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को फुटस्टेप भी आ जाते हैं। और
भाई पहले मेरे को लगता है कि बंदे जो है बॉट फायर करके मेरे को बुला रहे होंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे दो टीम रहती है, ऊपर वाली टीम ने अभी एक टीम की पेटी बनाई है और अभी बच चुके ऊपर की तरफ दो बंदे जो कि भाई बहुत खतरनाक तरीके से कैम करेंगे। लेकिन उनके ऊपर जो मैं रश करने वाला हूँ ना, बस वो देखना तुम। और भाई फाइनली इसी के साथ इन दोनों की यहाँ पे मैं पेटी बना देता हूँ। गाइस सच बता रहा हूँ, इन बंदों को मारने में मेरे को 5 से 6 मिनट लगे, क्योंकि भाई ये बंदे बिल्कुल खतरनाक तरीके से टीपी पी ले रहे थे यार। तो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। अब देखो अपार्टमेंट से निकलने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ ये वाली जगह पर, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को सामने की तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखती है। और भाई पहले मेरे को लगता है कि ये गाड़ी वाला बंदा भैया मेरे पास आके रुकेगा, रश करेगा, लेकिन भाई इस बंदे का तो कुछ अलग ही प्लान था। बंदा जो है वहाँ पे भाग जाता है, तो चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बंदा तो भाग गया लेकिन अपन तो बाकी, अपन इसके ऊपर रश करेंगे। तो फटाफट रश करते हैं इसके ऊपर। भाई बंदे को देख रहे हो क्या ही तेज चल रहा था। भाई इसने जैसे ही देखा कि भाई मैं इसके ऊपर रश करने वाला हूँ, तो ये बंदा मोली फेंकने लगा। लेकिन भाई भैया जी को क्या पता था कि हम लोग यहाँ पे जीने पे बैठ के टीपी पी ले रहे हैं और इनका नारियल जो हम लोग ने फोड़ दिया है। अब देखो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद इसकी पेटी लूटने के लिए मैं ऊपर आता हूँ, तभी मेरे को सामने की तरफ एक राजा महाराजा वाली गाड़ी दिखती है। और मेरे को लगता है कि उस गाड़ी में पूरे के पूरे 4 बंदे हैं, तो मैं अंधाधुंध उनके ऊपर रश करता हूँ, क्योंकि भैया मेरे को अभी किल चाहिए थे। लेकिन यार यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है। और भाई इस बंदे को जो मैंने पेला है ना भाई, कसम से ये बंदा बोल रहा होगा भाई क्या ही खेल रहा है, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, डैमेज दो कवर में जाओ, डैमेज दो कवर में जाओ, भाई यही कर रहे थे। और भाई बंदा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया और उसकी अपन लोगों ने इजी पेटी बना दी, और भाई बंदे की एक बुलेट भी मेरे में कनेक्ट नहीं हुई यार। और मेरे को नहीं लगता कि अब पोचिंग की में कोई बंदा होगा, तो फटाफट निकलते इधर से। और भाई अब आप लोग बोल रहे हो कि भाई हैकर कब आएगा, तो भैया रुको तो जरा, लोबी तो खाली करने दो यार उसको। देखो पोचिंग के से निकलने के बाद मैं बंदों को ढूंढने के लिए गटका आता हूँ, लेकिन गटका में तो कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद मैं यहाँ से जाने लगता हूँ, तभी मेरे को ये बंदा दिखता है। और भाई ये बंदा बहुत सही खेल रहा था, जैसे ही मेरे को इसने देखा तो भैया फटाफट M24 ने निकाली, और भाई मेरी HP देख सकते हो इसने क्या ही छोड़ी है यार। अब यहाँ से हील वगैरह करने के बाद मैं आगे की तरफ जाता हूँ, तभी भैया जोन जो रहता है घटका के इधर बन जाता है। और यहाँ से मैं निकल ही रहा था तभी मिनी मैप में, ध्यान देना जरा, ध्यान से देखो जरा, आप लोगों को मिनी मैप में कुछ फुटप्रिंट दिख रहे होंगे, और मेरे को लगता है बंदा जो है इस वाले रूम में होता है। तो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, तभी देखो
भाई बंदा यहाँ पे रहता है, देख रहे हो भाई क्या ही खतरनाक तरीके से टीपीपी ले रहा था मेरे लिए। वो तो अच्छा हुआ कि भाई मैं बाहर आया तो इसके हल्के से मेरे को फुस्टेप आ गए और भाई जी की मैंने पेटी बना दी। अब देखो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं बहुत देर से बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भाई मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ में ये बग्घी दिखती है और भाई थोड़ा सा और मैं आगे आता हूँ तो मेरे को ये सेक के अंदर कुछ दिखता है, साइंटिस्ट वाली चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। भाई ये बंदे बिल्कुल गलत ही कैंप कर रहे थे, इनकी कैंपिंग लेवल तो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है भाई, इनके लिए 70 तोपों की सलामी तो बनती है। अब देखो तुम्हारे भाई का जो है घड़ा भर चुका था, मेरी पेटी बनने का टाइम आ चुका था क्योंकि भैया हैकर यहीं पे रहता है। अब देखो इस स्प्रे को देखते हुए मैं थोड़ा सा समझ तो गया था कि भाई बंदा थोड़ा गड़बड़ है लेकिन अभी तक मेरे को ये नहीं पता था कि बंदा हैकर है। लेकिन भाई जैसे ही मैं यहाँ पे बैठ के हीलिंग करने लगता हूँ और वो बंदा मेरे ऊपर रश करता है, उसके बाद जो वो बंदा मेरे को पेलने वाला है ना भाई साहब, बिल्कुल गलत पेलने वाला है। तो वीडियो को तुम बिल्कुल स्किप मत करना, यहाँ से देखो। भाई साहब आर पार, बिल्कुल आर पार पेल दिया बंदे ने, क्योंकि इसको तो सब पता है कि भाई बंदा कहाँ पे है क्योंकि ये भाई सब कर रहे हैं यूज वॉल हैक एम वॉट ESP लेमड़ा थेमड़ा कद्दू वद्दू लैंड सॉरी लंबा वाला हैक यूज कर रहे हैं, वो जो समझ रहे हो वो नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये बंदा आसमानों की ऊंचाइयों पे देख रहा था, मेरे को नहीं पता कि भैया इसको आसमान में कौन से बंदे दिख रहे हैं लेकिन मेरे को इतना पता है क्योंकि भाई गेम अपन ने खेला, सामने की तरफ एक पूरी की पूरी टीम है और अपन अगर नॉर्मल खेलते तो अपन को पता नहीं रहता कि वहां पे बंदे, लेकिन भाई साहब तो कर रहे हैं यूज ESP तो इनको सब पता है। वो जा रहे थे भाई साहब बिल्कुल सीधा सीधा, ये देखो फुल सक्सेस बनाया और अब देखना। अब कमेंट में कुछ ज्ञानी बाबा ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे कि भाई ये बंदा हैकर नहीं है, अच्छा खेल रहा है बंदा, ठीक है। तो जरा हेडफोन पहन लो आप लोग क्योंकि भसड़ मचने वाली है, वॉल पे इतनी गाली सुनने को मिलेगी ना इसको, मैं क्या ही बताऊं, बस सुनना। अब भाई मेरे को नहीं पता ये ज्ञानी बाबा को कैसे लगता है कि भाई ये प्रो प्लेयर है, जब भी ये बंदा मार रहा है तो भाई टपली में से आवाज आ रही है टन टन की। हेलो 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 ऑल पे, ये MI माइकल भोसड़ी का हैकर है, कहाँ से आ गया यार ये अपनी माँ चुदवाने, नहीं तो रैक पोस्ट नहीं करने दे रहे, इनके गांड में डंडा डाल के सीधा करना पड़ेगा। साला जिंदगी कभी स्नाइपर नहीं क्यों होगी और स्नाइपर चला रहा है, देख रहे हो हेडशॉट मार दिया भोसड़ी ने। तो अगर अभी भी आप लोग को लगता है कि ये बंदा हैकर नहीं है तो भाई खेलना छोड़ दो, तुमको कुछ नहीं पता, तुम जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तुम एक हैकर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो गाइस आज के गेम प्ले वीडियो में इतने था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ज्ञानी बाबा कमेंट में ज्ञान देंगे उनकी बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी गाइस, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में यार, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और हो सके तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का नाम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी।